हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग में strlen फंक्शन चलाएंगे, जो लेंथ है वो यहाँ कैलकुलेट करके प्रिंट करेगा। तो हमें अपना टर्बो सी खोल लेना है और हमें यहाँ नई फाइल ले रखी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ हेडर फाइल लिख लेना होगा। तो हम अपना यहाँ हेडर फाइल लिख लेते हैं। उसके बाद इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच भी लिखना होगा हमें, कॉन्यू डॉट एच। और उसके बाद हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग, हम यहाँ इंटर कर रहे हैं तो स्ट्रिंग डॉट एच भी लिखना होगा हमें, स्ट्रिंग डॉट एच। हमें यहाँ लेंथ साइज की पता करनी है, तो मैं यहाँ strlen फंक्शन चलाएंगे और हम यहाँ void main लगा लेते हैं। void main लगाने curly braces, और हमें यहाँ character लेना है, वेरिएबल जो है हमारा कैरेक्टर में होगा। कोई भी हमें स्ट्रिंग इंटर कराते हैं तो कैरेक्टर में कराते हैं। तो खैर, हमने वेरिएबल ले लिया एयर नाम का, और एयर में हमने 20 वैल्यू स्टोर करा दिया है। साइज जो है एरे की 20 है यहाँ। अब हम यहाँ पे प्रिंट अप चलाते हैं, प्रिंट इंटर द साइज, इंटर एनी स्ट्रिंग, इंटर एनी स्ट्रिंग। और हमें यहाँ स्कैन अप लगाना है। स्कैन के बाद हमें जहाँ वैल्यू स्टोर करानी है, परसेंट स्ट्रिंग ले लिया हम तो परसेंट एस, और एड्रेस ऑफ एर। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, कि पहले हमें यहाँ एक इंटीजर भी ले लेना है, इंटीजर आई, इंट आई। यही आई की वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब जो लेंथ है उसकी। ये इंटीजर आई ले लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ हमें चला देना है आई इज इक्वल टू strlen, और हमें एरे की जो साइज है उसका लेंथ पता करना है। टर्मिनेट कर देना है यहाँ, और उसके बाद प्रिंट अप चलाना है हमें, प्रिंट अप परसेंट डी, क्योंकि जो एरे की जो वैल्यू कैलकुलेट हो आएगी वो इंटीजर में आएगी, तो परसेंट डी और कॉमा आई। टर्मिनेट कर दिया हमने इसे यहाँ, गेट सी एच लगाया, फिर टर्मिनेट किया और कर्ली ब्रेसेस को बंद किया। और हमें इसको पहले सेव कर लेना है, हम यहाँ इसे सेव कर लेते हैं डॉट सी फाइल में। एक कंपाइल करा, देखिए कहीं एरर आया है, यहाँ एक स्टेटमेंट मिसिंग है। सक्सेस हो गया प्रोग्राम हमारा, ये रन हो गया। हमें यहाँ कोई भी स्ट्रिंग इंटर करानी है, हमने यहाँ स्ट्रिंग इंटर कराया, और ये जो हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो यहाँ प्रिंट करके दे रहा है कि हमारी जो सिक्स वर्ड की, मतलब सिक्स लेटर्स हैं इसमें हमारी स्ट्रिंग में, वही जो ये लेंथ है उसके प्रिंट कर रहा है। और इसके बाद हम अब सीखेंगे strrev फंक्शन, मतलब जो हमें काम आता है किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ हमें यहाँ एक चलाना है strrev और एर। हम यहाँ इस इंटीजर को हटा देते हैं, और हमें एर यहाँ प्रिंट करा दिया। ये कहीं एक एरर शो कर रहा है, यहाँ हमने टर्मिनेशन छोड़ दिया है, इस वजह से एरर आ रहा है। हमने इसे टर्मिनेट कर दिया, ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुल, और ये हमारी ये रन हो गया। तो हम यहाँ एक स्ट्रिंग देते हैं, वो इसको रिवर्स करके, सॉरी गार्बेज,
तो दोस्तों यहाँ हमारा प्रोग्राम बन चुका है, हम इसे कंपाइल कराते हैं, ये कंपाइल सक्सेसफुल हो गया और रन कराते हैं। तो हमें इंटर स्ट्रिंग, हमने कोई स्ट्रिंग दे दिया इसे, ये देखिए ये इसे रिवर्स कर दे रहा है। फिर से हम कोई और स्ट्रिंग इंटर कराते हैं, आर ए एम, देखिए आर ए एम कोई रिवर्स करके एम ए आर कर दे रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।